हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के 2008 के सभी सेट्स का सॉल्यूशन करेंगे और ये सेट दिए गए हैं क्लास 10th इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड में। तो उसमें जितने भी सेट हैं इससे पहले के 2007 के भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ और 1 से लेकर 26 तक एक्सरसाइज हैं वे सभी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आपको वे सभी इसी चैनल पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। अभी हम देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। रोहित सेड, माय पेरेंट्स वर फाइटर्स ऑफ फ्रीडम। तो देखिए, रोहित ने कहा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो क्या थे? फाइटर्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के सेनानी थे। तो ये है अफर्मेटिव का। तो रोहित said that, ऑब्जेक्ट नहीं है, said का said ही रहेगा, कंजंक्शन that आएगा, my का हो जाएगा his। देखिए, रोहित का प्रोनाउन ही और ही का संबंध कारक आएगा my की जगह पर his, क्योंकि my संबंध कारक है आई का, इस वजह से। और was verb का क्या हो जाता है? had been। उसके बाद देखिए, fighters of freedom, ये as it is रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। आई सेड टू हर, वेयर डिड यू फाइंड दिस पोस्टेज स्टैम्प। ये है डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेड टू की जगह पर आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ लिखते हैं। तो आई आस्क्ड हर, कंजंक्शन वेयर हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो सब्जेक्ट है यू, इसे हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट हर के अनुसार। अब यू कर्ता कारक है, हर का कर्ता कारक आ जाएगा सी। ये डिड लगा है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। पास्ट इंडेफिनेट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो उसकी सही क्रिया हैड लग जाएगी और पास्ट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, तो फाइंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फाउंड। दिस का दैट और पोस्टेज स्टैम्प सेम टू सेम। आई आस्क्ड हर वेयर सी हैड फाउंड दैट पोस्टेज स्टैम्प। तीसरा है, आई सेड लेट अस प्ले अ फुटबॉल मैच। तो लेट अस लगा है, तो लेट अस का हो जाता है दे शुड या वी शुड। तो आई सेड का प्रपोज्ड कंजंक्शन दैट लगेगा, लेट अस का हो जाएगा दे शुड, प्ले अ फुटबॉल मैच ये एज इट इज रहेगा। आई प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ फुटबॉल मैच। इसके बाद देखते हैं चौथा, द टीचर सेड टू द बॉयज़ हैव यू डन योर वर्क टुडे। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट का है। इंट्रोगेटिव है तो सेड टू की जगह पर क्या आता है, आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ, कंजंक्शन इफ है, वेदर इफ लगा दिया, ये कर्ता पहले आएगा और यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। बॉयज़ ये बहुवचन है, बॉयज़ का प्रोनाउन होगा दे, तो यहाँ पर दे आ जाएगा, हैव का हेड हो जाएगा डन, योर बदलेगा। देखिए, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बॉयज़ का प्रोनाउन दे और दे का संबंध कारक योर की जगह पे आएगा देयर, क्योंकि ये संबंध कारक है तो इसका संबंध कारक ही होगा। और टुडे का दैट डे, द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ इफ दे हैड डन देयर वर्क दैट डे। पाँचवा, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। मेरे फादर ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये एक सत्य है, सत्य बात है, ये कहावत है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये टेंस चेंज नहीं होता है, यानी कि एज का एज ही रहेगा, सीधा दैट से जोड़ देंगे केवल। माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। छठवा देखते हैं, द टीचर सेड डू नॉट प्ले एट दिस टाइम बॉयज़। टीचर ने बॉयज से कहा कि इस समय मत खेलो, तो बॉयज से कहा, इसे ये कॉमा से जोड़कर लिखा जाता है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़। ऑर्डर्ड लगाया क्योंकि ये इम्परेटिव है, इम्परेटिव है तो कंजंक्शन टू लगता है। डू नॉट लगा है इससे, इस वजह से डू नॉट तो पूरा हट जाएगा, लेकिन टू से कंजंक्शन टू से पहले नॉट आ जाएगा, और प्ले एट दिस टाइम का दैट टाइम। इसके बाद देखते हैं सातवां,
द बैगर सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर कैप। तो प्लीज़ लगा है, इम्परेटिव का है ये, तो सेड टू की जगह पर हम रिक्वेस्टेड रखते हैं, रिक्वेस्टेड, द बैगर रिक्वेस्टेड मी, कंजंक्शन टू लगा, गिव मी देखिए फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा बैगर के अनुसार, बैगर का प्रोनाउन ही और मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ जाएगा। योर देखिए सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा, और योर संबंध कारक है मी का, योर यू का सॉरी, तो मी का संबंध कारक माई आ जाएगा, माई कैप। द बैगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई कैप। इसके बाद हम देखते हैं आठवां क्या है, गीता सेड लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। लेट अस दिया रहता है तो ये प्रपोज्ड को बताता है, गीता प्रपोज्ड लेट अस दिया हो तो हम सेट की जगह पर प्रपोज्ड रखते हैं, और सेट टू की जगह पर रखते हैं प्रपोज्ड टू। अब कंजंक्शन दैट, लेट अस का वी शुड या दे शुड, वेट फॉर आवर का हो जाएगा देयर फ्रेंड्स, क्योंकि अब गीता तो एक वचन है तो इसके अनुसार नहीं बदलेगा ये, क्योंकि अवर ये होता है बहुवचन, तो ये बहुत सारे लोग हैं साथ में और वो अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं, तो देयर आएगा यहाँ पर। नौवां, द बॉय सेड यस यस आई हैव बीटन द डॉग्स। तो इस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए और वीडियो में कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का सेंटेंस सही होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।